वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो ये ब्लॉग थोड़ा सा पुराना हो गया है। ये है दीपावली की रात का ब्लॉग है और यहाँ पर जो है कैंडल वगैरह पूजा के बाद का है, ये सब जला दिए, लाइट वगैरह लगा दी थी दो तीन दिन पहले ही। और ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी लाइट। यहाँ पर कुछ मिठाइयाँ के डब्बे हैं जो कि आस पड़ोस में देने के लिए पैक करके रख लिए हैं। और ये है मेरे दीपावली का लुक, जो मैंने सिल्क साड़ी पहनी हुई थी। यहाँ पूजा का जो है ये पिक है पूजा करते टाइम का, और यहाँ पर जो पूजा कर रहे हैं हम लोग, तो किस तरह से डेकोरेट किया था हम लोगों ने मंदिर को, बस वही आप लोगों को भी मैं शेयर कर रही हूँ। और वीडियो बनी हुई रखी थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और दिवाली के गोवर्धन पूजा करने के बाद ही मैं अपने मायके चली गई थी, कुछ फंक्शन था, तो आगे ब्लॉग में आपको बताऊंगी क्या था। तो यहाँ पर दीपावली की हो रही है पूजा और आरती वगैरह हो रही है, पूजा कर रहे हैं हमें सभी लोग और दीप वगैरह जला लिए हैं। और पूजा की अलमारी के नीचे ही एक चौकी लगाई थी मैंने, इस पर गणेश लक्ष्मी बैठाए हुए हैं और इस तरह से प्रसाद वगैरह जो है रखा हुआ है और दीप जला दिए, हवन किया सभी लोगों ने, आरती की। और यह जो लुक था, मैंने इस तरह का मेकअप जो है हल्का सा मेकअप किया था बस। और ये साड़ी भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाई है, बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को साड़ी, जो है काफ़ी अच्छी लग रही थी, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से मंगाई थी मैंने दिवाली पर। और यहाँ पर मैं कोई और ज़्यादा बड़े पटाखे नहीं चलाती हूँ और बस फुलझड़ी ही हमेशा जो है एक दो जला लेती हूँ। तो बेटी जो है वो वीडियो उसने शूट कर लिया था, तो बस अपने घर के बाहर ही मैं जला रही हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम जो है सेल्फी ले रहे हैं, फैमिली फ़ोटो, और जिसमें मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी और बेटा और दोनों डॉगी हैं डेजी और नोडी, और यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड हैं, और इसके बाद जो है दोनों बच्चे दोनों डॉगी के साथ जो है वीडियो बना रहे थे तो शेयर कर दी। तो दोनों जो डॉगी हैं डेजी और उसका बेबी है जो बहुत ही क्यूट है नोडी, बस दोनों की इसी तरह से वीडियो शूट किया। और इसके बाद जो है पूजा के बाद जो है दीप वगैरह, दीपक हमने बाहर और मोमबत्ती जो कैंडल वगैरह थी बाहर रखी हुई थी, बस वही देख रही थी जी जल रही हैं, तो अभी तक तो जल रही थी, काफ़ी टाइम हो गया था, करीब 11:30 बज गया था, वही देखने आई थी मैं कि नहीं तो और थोड़ा सा तेल डाल दूँ दीपकों में। इन सभी जो दीप हुए हैं वो जल रहे थे और कैंडल वगैरह भी। तो हैप्पी दिवाली सभी लोगों को। और यहाँ पर ये दूसरे दिन जो गोवर्धन हमारे यहाँ इस तरह के रखे जाते हैं, तो मैंने गोबर मंगाया सुबह सुबह, गोवर्धन महाराज की स्थापना की और पूजा वगैरह की है। और पूजा में हमारे यहाँ जो है कड़ी चावल रोटी से जो है पूजन होता है, परिक्रमा होती है, और उसके पूजन करने के बाद ही जो है भाई और भाभी का फ़ोन आ गया कि कुछ जो है फंक्शन है वहाँ पर। क्या फंक्शन है? तो बस मैं निकल गई हूँ अपने मायके इटावा के लिए, वही रास्ते का वीडियो है और आगे का ब्लॉग देखिएगा तो उसमें बताऊंगी कि मैं किस लिए जो है अपने मायके जो है गोवर्धन पूजा करने के तुरंत बाद ही क्यों निकली थी मैं, क्या फंक्शन था वहाँ। बस ये रास्ते का है, हस्बैंड गाड़ी चला रहे हैं, बेटा जो है आगे बैठा हुआ है और मैं बेटी जो है पीछे बैठे हुए हैं, बेटा जो है नोडी जो है उसको लिए है, ये है डेजी और गोल्डन जो है एब्रा है जो बेबी है इसका डेजी का, आगे गोद में लिए, काफ़ी क्यूट है। बस हम लोग के गाने सुनते हुए जा रहे थे तो गाने मैंने पूरा आवाज़ म्यूट कर दी है, उनको काफ़ी रात जो है आ जाता है इसलिए। और ये हाईवे होकर हम लोग जा रहे हैं तवा, तो काफ़ी रास्ता जो है बिल्कुल ही साफ मिला था, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी हाईवे पर, तो आराम से जल्दी पहुँच गए थे 1-1.5 घंटे में। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।